केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में हमने पिछले वीडियो में स्टडी की मार्कोनिक ऑफ रूल से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, नेगेटिव एटम ऑफ हेलो एसिड अटैक ऑन कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। जिस हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उस कार्बन पर हेलो एसिड का नेगेटिव एटम अटैक करता है, ये बोलता है मार्कोनिका। मार्कोनिका आपका रूल है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसीड होता है। अब दूसरा, अगर मान लीजिए हम एंटी मार्कोनिका पे एडिशन करें तो वो फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल बनेगा, और वो रिएक्शन एसिमेट्रिक अल्कीन की क्रॉस इफेक्ट, परऑक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिका पे एडिशन के नेम से फेमस होगी। उसमें मार्कोनिका रूल के अपोजिट अटैक होगा, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH। मार्कोनिका और एंटी मार्कोनिका एसिमेट्रिक अल्कीन का केस है। HBr का एडिशन करें, पहले ही HBr क्या बना था मार्कोनिका रूल में, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बना था ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये पहले अटैक करता था, तो वो रिएक्शन बनी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम। यहाँ सारी कहानी बदल जाए, ये किसकी प्रेजेंसी में है? पराक्साइड, इसीलिए इसका नाम होता पराक्साइड इफेक्ट, क्रॉस इफेक्ट या एंटी मार्कोनिका एडिशन। तो हम मान लें कि ये किसकी प्रेजेंसी में अटैक करेगी, बेंजाइल पराक्साइड या H2O2 की प्रेजेंसी में ये अटैक करे, तो यहाँ पर एडिशन कैसा होगा? फ्री रेडिकल एडिशन, फ्री रेडिकल एडिशन का ये एग्जाम्पल बने। अब HBr का एडिशन जब होगा तो HBr ब्रोमीन या फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, फिर इस पर अटैक करें। तो ब्रोमीन, जैसे कार्बोकेटाइन का केस है कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, इसी तरह फ्री रेडिकल का भी कंसेप्ट है, फ्री रेडिकल 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो यहां पर जब ब्रोमीन इस पर अटैक करेगा एंटी मार्कोनिका पे एडिशन में, तो ये ब्रोमीन इस कार्बन पर अटैक जिस पर ज्यादा है, तो मेन प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH2CH2Br। मेन प्रोडक्ट क्या है? 1 ब्रोमो प्रोपेन। जबकि मार्कोनिका रूल से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का जब एग्जाम्पल हमने स्टडी किया था, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन उसका मेन प्रोडक्ट। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म में आते हैं, मैकेनिज्म किस प्रोसीड से होगी? मैकेनिज्म इसकी है फ्री रेडिकल एडिशन के एग्जाम्पल से, मतलब फ्री रेडिकल अटैक करे, एडिशन करे, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल पहले खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हुआ C6H5CO, ये बेंजाइल परऑक्साइड पहली स्टेप में किस में कन्वर्ट होगा? होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू बेंजाइल फ्री रेडिकल। अब ये जब फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ तो ये HBr से एडिशन करेगा पहले, ये HBr, यहाँ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का एक ब्रोमीन का, पार्टनरशिप है इलेक्ट्रॉन की, ये चाहता है अपनी स्टेबिलिटी, इसलिए ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को अपने साइड लेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा? C6H5CH, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, बेंजल्डिहाइड स्टेबल मॉलिक्यूल है, फ्री रेडिकल बेंजाइल, बेंजाइल फ्री रेडिकल अपने को एक इलेक्ट्रॉन चाहता, वो अपनी स्टेबिलिटी चाहता, फ्री रेडिकल है, तो HBr का होमोलिटिक क्लीवेज करता है और इसके कारण वो विथ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन को अपने साइड ले, और ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेकर के सेपरेट हो जाता है, मीन्स यहाँ क्या प्रोड्यूस हुआ? फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमीन। अब ये ब्रोमीन का फ्री रेडिकल अल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जांपल। अब फ्री रेडिकल का जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, फर्स्ट चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन ग्रोथ स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब ब्रोमीन का जो फ्री रेडिकल है ये अल्कीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, ये सेकंड स्टेप CH3CH डबल बॉन्ड CH, ये आया ब्रोमीन का फ्री रेडिकल।
अब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल कहाँ अटैक करे? ब्रोमीन का फ्री रेडिकल वहां अटैक करेगा अल्किन पर कि स्टेबल फ्री रेडिकल का प्रोडक्ट। तो देख, ये CH3, CH2 दिया, कहाँ अटैक किया ब्रोमीन ने? एंटी मार्कोनिक एडिशन ने, ब्रोमीन फ्री रेडिकल ने वहां अटैक किया जहां डबल बॉन्ड के कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा है, कम है उस पर नहीं। मार्कोनिक आप रूल बोलता है कि इस पर अटैक करें। एंटी मार्कोनिक आप क्या बोलता है? जिस कार्बन पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां अटैक, ये अटैक किया और इस कार्बन को किस में बदला? फ्री रेडिकल। कौन सा डिग्री फ्री रेडिकल है? 2 डिग्री। 2 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल क्या होता है? मोर स्टेबल, इसीलिए स्टेबिलिटी की ओर जाएगी रिएक्शन। अब ये है 2 डिग्री फ्री रेडिकल अल्कीन का, तो ये क्या करेगा? ये अनस्टेबल है और ये HBr के किसी सेकंड मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। इस तरह ये HBr यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज करवाएगा, क्योंकि हर जगह होमोलिटिक क्लीवेज होना है, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ही फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। इसको क्या चाहिए? ये फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, ये क्या चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन सहित यहाँ आ जाएगा, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन कर लेगा और मेन प्रोडक्ट क्या होगा? CH3, CH2, CH2 वन ब्रोमो प्रोपेन, और प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये हो गया ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। अब ब्रोमीन का फ्री रेडिकल फिर से किस पर अटैक करेगा? अल्किन के किसी सेकंड मॉलिक्यूल। इस तरह रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो समझाने का मतलब यह है कि मार्कोनिक आप रूल से जो एडिशन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का एग्जाम्पल बनता है, और मार्कोनिक आप रूल में हेलो एसिड का नेगेटिव एटम इस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर हाइड्रोजन कम होता है, और एंटी मार्कोनिक आप एसिड, एंटी मार्कोनिक आप एडिशन जो है ह्रासित है या पराक्साइड की प्रेजेंसी में, ये नेगेटिव एटम उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले का। इस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड है, और इसी के साथ कल अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। अल्किन का हाइड्रेशन भी एक स्पेशल केस है जिसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट पैदा होंगे, एक मार्कोनिक ऑफ एडिशन से, एक एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन से, और एसिडिक मीडियम में रीअरेंजमेंट के, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। फिर आएगा इसमें ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन, वो भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो दोनों प्रॉपर्टी की स्टडी के लिए हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।